मिजोरम और छत्तीसगढ़ में आज से चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इन दिनों राज्यों में 7 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे प्रथम चरण के मतदान में बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ में चुनावी हुकार भरी। यहां सीएम योगी सुकमा में भाजपा प्रत्याशी सोयम मुक्का के लिए वोट मांगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कवासी लखमा के गढ़ में चुनावी हुकार भरी। उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने छत्तीसगढ़ को रामलला का ननिहाल बताया। छत्तीसगढ़ सरकार के नजदीकी लोगों ने यहाँ के लाखों गरीबों का पैसा इस ऐप के नाम पे ठग लिया है, ऐंठ लिया है, और तब भी बेचारा लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है ये, और ये सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है। आपने बिहार में सुना होगा, लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था। कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था। और उससे भी दो कदम आगे जाकर के कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम कर दी है, गोबर का ही घोटाला हो गया। भाइयों बहनों, ये कहां तक, यहां पे खनन घोटाला, यहां पे कोयला घोटाला, यहां पे भू घोटाला, यहाँ पे युवाओं को मिलने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की वहां घोटाला, यहाँ पे हर घोटाला पे घोटाला घोटाला कांग्रेस की सरकार का संस्कार बन चुका है। और भाइयों बहनों, इस संस्कार से उभारने के लिए ही एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए।